Listen friends, before we start the video, please click the subscribe button and also press the bell icon for new videos and new update. Thank you. अच्छा मैं न्यू वीडियो इसको टांगा ही देता हूँ एक सेकंड. सो गाइस सीन ऐसा है ना कि मैं बहुत टाइम से लाइक परेशान हो चुका हूँ अपने बालों से लेके, बिकॉज अब ये बाल नहीं, मेरे बाल से ज़्यादा मेरे घोंसला बन गया. एंड ये देखो, आप देख सकते हो ना. सो इसको बोलते हैं ना संभाल के एक सिस्टमेटिक रखना बहुत मुश्किल हो गया है. तो मैंने सोचा कि मेरे जैसे कोई और भी होगा, लाइक आप जो देख रहे हो उसमें से भी मेरे से ज़्यादा बड़े बाल होंगे या मेरे जैसे बाल होंगे, तो आप भी बोलते परेशान हो गए करें क्या, है ना. जो अभी अल्थान में या मेरे सूरत के एरिया में रहते हैं वो तो चलो अनलॉक थे तो एक दो बार बाल कटा भी लिए होंगे, और जिसने नहीं कटाया वो परेशान हो गया. तो उसके लिए मैं सोचा थोड़ा सा बालों के ऊपर बकवास किया जाए, ठीक है. सो सीन ऐसा, सो ऐसा था ना, मैंने बहुत टाइम पहले अपने बाल कटा लिए थे. अब इसका कोई पिक्चर होगा तो आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, ऐसे मैंने कटाए थे, ठीक है. अब वो ऐसे हो गए, ठीक है. सो अभी अब क्या कर सकते हो अगर ऐसे बाल बड़े हो तो. अब उसके ऊपर मैं आपको एक दो ऐसे दूंगा, आपको अच्छा लगे तो ऐसे बना लेना, नहीं अच्छा लगे तो फिर ऐसे रहने देना, ठीक है. सो अभी चलते देखते, एक दो चीज़ मैं बताता हूँ मैं कैसे रखता हूँ और फेस के ऊपर अच्छा लगता है नहीं लगता. वैसे भी झाटा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, क्योंकि गाइस घर पे बैठे हैं, कौन देखने वाला अपना बाल, अपने मुंह, अपने कहाँ बाल उग रहे हैं, क्या उग रहा है, कोई देखेगा नहीं उगेगा, कोई नहीं देखने वाला ना. सो वो अपने पे है, ठीक है. सो अभी उसके ऊपर बात करते हैं अपने, चलो. उनके चार महीने हो गए होंगे, ठीक है. उसमें अंदर मेरे एज के या मेरे छोटे या मेरे से बड़े लोग जो है वो नहाते नहीं है, ठीक है. नहीं नहाते, चलो आधे के नहीं नहाते, ऊपर से बारिश का मौसम चालू हो गया तो और नहीं नहाते, कोई उशी नहीं नहीं नहाने की. बट अगर नहीं नहा रहे हैं ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो वही क्रिएट कर देगा अपने बालों पे, ठीक है. क्योंकि पहली बात, बाल अपने नाक के यहाँ टच होने लग गए, थोड़े दिन बाद यहाँ टच होंगे, थोड़े दिन बाद में भूम भाम जैसे हो जाएंगे, ठीक है. तो ऐसे खाली पड़े पड़े बड़े तो हो जाएंगे, पर वो बड़े बड़े पड़े पड़े केयर कैसे होगी, वो नहीं होगा, वो हमारे हाथों और हमारे पे, ठीक है. तो उसके लिए हमको एटलीस्ट दिन में नहीं नहा रहे हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं, बट एटलीस्ट दिन में एक थोड़ा सा टाइम निकाल के आप मुंह हाथ धो लो, ठीक है. उससे फेस भी साफ रहेगा, फेस भी क्लीन रहेगा और शरीर भी क्लीन रहेगा, और मेल अपने को खाएगा नहीं, वो गंदी बात हो गई, मेल छोड़ो, सर की बात करते हैं. तो सर पे कोई गंदी चीज़ नहीं आएगी. तो एटलीस्ट शैम्पू यूज़ करोगे ना, तो शैम्पू से एटलीस्ट बाल सिल्क एकदम बोलते हैं खुले खुले रहेंगे, और सिल्की टाइप भी रहेंगे, और गंदगी नहीं छाएगी बालों पर, और जैसे हम चाहते हैं वो बन भी जाएंगे. जैसे ऐसे अभी मैं हाथ ऐसे डालूँ तो ऐसा चाहूँ ऐसा बना सकता हूँ, और ऐसे चाहूँ तो ऐसा भी बना सकता हूँ, ठीक है. वो अपने पे, हाँ, हालांकि मैं आज नहीं नहाया, अभी नहाऊंगा, ठीक है. तो सीन ऐसा है. सो व्हाट आई वांट टू से इज़, अगर नहा रहे हो ना तो प्लीज़ शैम्पू यूज़ करो. अगर नहीं नहा रहे तो पहले जाके नहाओ, ठीक है. दिन में सुबह नहाओ, दिन में नहाओ या शाम को नहाओ या रात को भी नहाओ, कभी भी नहाओ, यूज़ शैम्पू, ठीक है. या अपने बाल को अच्छे से साफ करके रखो, ठीक है. पहला पॉइंट तो ये था. सेकेंड, नहाने से पहले या सुबह या शाम या रात को आप सो या जब भी आपके टाइम हो, जब भी आपको कंफर्टेबल लगे तब आप तेल लगा लो. कोई भी आपके पास जो भी ब्रांड का तेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तेल लगा लो अच्छे से, थोड़ी सी बोले ना एकदम अच्छे से मसाज कर लो, एंड देन अप्लाई ऑयल एंड देन कीप इट. एटलीस्ट रात को सो दो, सोने दो, सुबह उठ के नहा लो, या फिर कम से कम 10-15 मिनट रहने दो, ठीक है, बाल में. सो भाई ये बात हो गई अपने बाल को मेंटेन करने की, ठीक है. उसके ऊपर और अपने अप्लाई करना तो दही हो गया, बेसन हो गया, ये सब बोलते हैं ना, ये जो रेमेडी होती है वो ट्राई करनी तो आपके ऊपर है, मैं नहीं करता, वो आपके ऊपर, आपको करना है तो कर सकते हो, ठीक है. सो ये हो गई क्या क्या यूज़ करने की बात. अब बात करते हैं इसको रखे कैसे, क्योंकि ऐसे बालों में गर्मी भी लगती है, ऐसे बालों में अपने आँखों में भी बाल जाते हैं, ऐसे में अपने कान के अंदर भी बाल जाते हैं, इरीटेशन होती है जो वर्कआउट करता है घर पर, जो टी वी देखता है या फ़ोन खेलता है, पबजी खेलता है, वॉट एवर कोई भी रीज़न हो, तो ऐसे आँखों में बाल आ जाते हैं, ऐसे बाल अड़ते रहते हैं कहाँ पर, ये देखो ऐसे. तो उसके लिए क्या करें, ठीक है. अगर आपके बाल मेरे जैसे इतने बड़े हैं तो आपको ऐसे अच्छा लग रहा है तो ऐसे रहने दो, नहीं तो मैं क्या, कभी कभार अपने पास बहन या मम्मी या आपको पसंद होता है आपके पास होगा, ठीक है. नॉर्मली मस्त ऐसे रख, बाल को कवर कर लो, हाँ. ये थोड़ा सा अभी सही से नहीं किया मैंने, एकदम रफली आपको बता रहा हूँ, नॉर्मली बस ऐसे, और थोड़ा बाद में ऐसा कर लो, हो गया.
इसे सीन किया आपने देख, एकदम बाल एकदम चिपक गए मेरे यहाँ पे और यहाँ पे बैठ गए, और ना यहाँ पे आएंगे ना यहाँ पे आएंगे, ना यहाँ आँखों में जाएंगे, कहाँ पर भी नहीं जाएंगे। सो अब मैं बैठ के आप बात भी कर सकता हूँ, पबजी खेल सकता हूँ, बैठ के वर्कआउट कर सकता हूँ, वॉट एवर कैन डू। सो एक चीज़ ये थी, अगर आपको ये पसंद नहीं है और आपका मुंह मेरे जैसा गोल नहीं है, थोड़ा सा जॉ लाइन वाला है या थोड़ा सा अच्छा है, डू पोनी छोटी कर लो। छोटी ठीक है। और मैं गाइस एक बात बोलूँ ना, आप बाल बढ़ाओ बाल बढ़ा दो, जितने लॉकडाउन में बाल बढ़ रहे हैं ना, अच्छे बढ़ने दो, खाली सर के और कहाँ के नहीं, और कहाँ कर भी है ना, फूस साफ कर दो ठीक है। और इतना आप ये जो देख रहे हो ना, अगर छोटी कर रहे हो तो ये वाले हटा देना, क्योंकि फिर ये दो बाल ऐसे लटकेंगे, अच्छा नहीं लगेगा ठीक है। और मैं तो अभी छोटी नहीं कर रहा हूँ कि मेरा मुँह गोल है, इसलिए मैं छोटी नहीं कर रहा हूँ ठीक है, मैं ऐसे रख रहा हूँ क्योंकि मेरा फोर आर्म जो है इट्स चार उंगली का है ठीक है, देखो चार उंगली का है, तो ये अच्छा नहीं लगा कि मैं छोटी करूँ या वो पहनूँ, मेरे बाल ऐसे अच्छे लग रहे हैं और थोड़ा सा बोल देना लग रहा हूँ, सो दैट्स वाई मैं यूज़ नहीं कर रहा ठीक है। कभी कभी यूज़ करता हूँ मैं, नॉर्मल बैठा तब तक यूज़ कर लेता हूँ, बट आपको करना है तो आप ये दो चीज़ यूज़ कर सकते हो। सो ये दो चीज़ थी, या छोटी बना लो या वो क्या बोलते हैं उसको क्लिप या जो भी बोलते हैं उसको बचका लो, या तो ना उस चीज़ की यूज़ पड़ी, ना छोटी बांधने की यूज़ पड़ी, कर ली दिन में दो तीन बार ऐसे कंघी करते रहो, उससे क्या होगा अपने जो कंघी ऐसे करते रहेंगे ना अपने, तो उससे क्या अपने बाल है ना ऊपर ही रहेंगे, बाल में नीचे नहीं आएंगे, अभी इतना करेंगे तो नीचे आएगा, क्योंकि अभी गर्म हवा का झोंका नहीं मारते, आई मीन ड्रायर यूज़ नहीं करते, उल्लू जैसा वैक्स यूज़ करते, तो ये वैक्स ड्रायर और हम यूज़ नहीं कर रहे, और यूज़ करें भी क्यों, अच्छे आपने नहीं कर रहे वैक्स और ड्रायर, क्योंकि ड्रायर बाल में प्रॉब्लम थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, वैक्स से भी सेम सीन होता है, तो अच्छा है कुछ टाइम के लिए हम ये यूज़ नहीं कर रहे ठीक है, और कहाँ यूज़ करके जाएंगे घर पे, और यूज़ करके कहाँ पर भी जाएंगे अपने, कहाँ ही नहीं जाएंगे, इसलिए सो गाइस देखा, अब मैं अपने बालों को नचा भी सकता हूँ या चाहे वैसे बना भी सकता हूँ, क्यों क्यों, और टू बी होनेस्ट एक बात बोलूँ ना, मैं कभी नहाता ही नहीं, या कभी नहा लेता हूँ या कभी नहीं नहाता, या लेट हो जाता है कभी, कुछ सीन हो जाता है, बट एक चीज़ मैं ध्यान रखता हूँ, वो है कि मुझे अपने बालों पे ध्यान रखना है, और बालों में ऐसा होना चाहिए कि बाल बाद में इधर उधर या ख़राब नहीं हो जाए, तो इतनी चीज़ मैं याद रखता हूँ। सो अभी मैं चाहूँ तो इसको अभी बिठा दी, और चाहूँ तो बाद में ऐसे खड़े भी कर सकता हूँ ठीक है, और चाहूँ तो बाद में नॉर्मली वापस ऐसे भी कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने अपने बालों को केयर किया, वही आपको बोलना चाह रहा हूँ, बस ध्यान रख लो बाल के साथ, अपनी बीड का भी, मेरे को पता भी नहीं चला मेरे लॉकडाउन में ये बीड कब आ गई, उसको भी मैंने शेप दे दिया, और वन साइड की मैंने कट, अच्छा हाँ आप ये सोच रहे हो कि घर पे बैठे बैठे पापा से बाल कटा ले या भाई से बाल कटा ले या खुद ही काट ले, मत करना, मत कत ही मत करना, अगर आप प्रो हो उस चीज़ में तो मत करना, अगर आप नूब हो तो मत करना, क्योंकि बाल एक उधर उधर कट गए तो बालों के स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएंगे ठीक है, क्योंकि मैंने किया, मेरा ब्लॉग देख सकते हो, लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लेना, मैं अपने बाल वन साइड के काट दिए थे पूरे, उसके एक अच्छी सी मैंने लुक दे दिया था, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके देख सकते हो इसके बाद ठीक है, तो वो मत करना, अगर आपको आता है तो डू इट, मैं तो उल्टा ट्रिमर से भी नहीं किया था, मैंने खाली कैंची से किया था, क्योंकि ट्रिमर मेरा ख़राब हुआ हुआ है, तो खाली मैंने कैंची से किया था, तो मत करना अगर आपको नहीं आता है, और आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ वीडियो देख के, तो भी मत करना, खोटी बाल ख़राब हो जाएंगे, स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे बाल, तो वो मत करना, अगर आपको आता है, अगर पापा को आता है या भाई को आता है, तो यू कैन गो फॉर इट, और मैं तो बोलूँगा बाल बढ़ने दो, जितने बाल बढ़ेंगे ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि अगर मोस्ट ऑफ ऐसा होता है कि बाल छोटे अच्छे नहीं लगते, बाल जितने बड़े उतने ही अच्छे लगते हैं, खासकर मेरे छोटे मुँह वाले जैसे लड़के, उनके लिए तो समझ सकते हो ना, क्योंकि उससे आधा मुँह कवर हो जाता है और बाल से ढक जाता है, इसीलिए ठीक है, अगर बाल बड़े होंगे तो अपने चाहिए वैसे कटा सकते हैं, पर अगर बाल छोटे हुए तो अपने छोटे बाल में कैसे कटाएंगे, वो एक्स्ट्रा बाल कहाँ से लाएंगे, तो एक्स्ट्रा अपने लंबे बाल होंगे तो जितने चाहिए उतना हटा देंगे, बाकी तो रहेंगे ना, वैसा सीन है,
तो ऐसा सीन है कि जितने बाल बढ़ाओ ना अभी अच्छा है, क्योंकि जब सोलून आप सोच के रखोगे मेरे को ऐसे बाल कटाना है और फिर वो जब नॉर्मल होगा तब वहाँ जाना और तब कटा लेना, ठीक है। आप जितने बढ़ेंगे उतने अच्छा है, ठीक है, जितने नहीं चाहिए हट जाएंगे, बाकी चाहिए होंगे अपने सर पे रहेंगे, ठीक है, ऐसी बात है। सो मैं तो सोच रहा हूँ मैं बढ़ने दे रहा हूँ, अभी जितना बढ़ रहे बढ़ने दे रहा हूँ, आई एम यूजिंग दिस एंड माई नॉर्मली वही कभी खेलता रहता हूँ मैं अपने बालों से, कभी ऐसे करता हूँ, कभी ऐसे रहता हूँ, कभी ऐसे पकड़ के बैठ जाता हूँ, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ मैं, ठीक है। तो वही सीन है, मैं थक गया, हो गया गाइस, बहुत ज्ञान दे दिया मैंने आज आपको, आई होप आपको पका नहीं हो और मैं कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ। अगर मैं भूल नहीं रहा हूँ, मेन जो बातें थी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो मुझे लगा था कि आपके साथ शेयर करना है, सो आई डिड दिस, ठीक है। एंड आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, आप ये ज्ञान अप्लाई करने वाले हो, और आपको ये ज्ञान में से अगर यूज़ करके आपको अच्छा लगा हो तो आके कमेंट कर देना कि दैट यू हैव गिवन गुड टिप। एंड अगर आपको कोई भी इसमें से एक लाइन भी अच्छी लगी हो तो लाइक इट एंड कमेंट इट, एंड अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ तक देख ही लिया तो कमेंट कर देना, ठीक है। एंड मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर अभी नेक्स्ट व्लॉग होगा मेरा फ़ोटोशूट, येस आई एम ट्राइंग टू डू फोटोशूट एट होम इन माई मोबाइल ओनली, नॉट DSLR, नॉट भारी लोकेशन या कुछ ऐसी चीज़ नहीं जिससे एकदम प्रो फोटोग्राफी आए, नॉर्मली सस्ता फोटो शूट करने की सोच रहा हूँ। कोई ऐसी चीज़ें नहीं कि ऐसे कंघी लेके वो ऐसे करते हैं ना ऐसे फ़ोटो खिंचाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मली करने की ट्राई कर रहा हूँ। अगर हो गया सक्सेसफुली तो आई विल आपको बताऊँगा, आप भी ट्राई करना, आप भी टाइम पास हो जाएगा, इंस्टा में डालना, फ्रेंड के साथ शेयर करना, आप भी मस्ती करना फ़ोटो के साथ, ठीक है। तो एडिट एप्लीकेशन, शूट का एंगल, शूट कैसे किया, कपड़े, लोकेशन, सब कुछ मैं ट्राई कर लेता हूँ, पहले सक्सेसफुली मैं हो गया तो आई थिंक दैट आपको भी शेयर करना चाहिए, तो मैं कर दूँगा, नहीं हुआ फ्लॉप तो भी ट्राई करूँगा आपके साथ लिटिल बिट में ऐसे क्विक में आपको बता दूँ। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, ध्यान रखना अपना आपका, अपने शरीर का, अपने बालों का, अपने फेस का, अपने शरीर का, और जहाँ जहाँ बाल आते हैं वहाँ का, समझ गया, ठीक है। तो बस दैट्स इट गाइस, बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट योर होम। Yeah.